नमस्कार प्यारे साथियों, चलिए आइए हम लोग अब रिले में आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोगों ने अभी तक रिले के बारे में कुछ बेसिक जानकारियां ली होंगी और उसमें आपको बताया गया है कि रिले कहां पर लगा होता है, सीटी के साथ अरेंजमेंट होता है और सर्किट ब्रेकर को कैसे ट्रिप करता है, तो ये सारी कॉमन चीज़ें हैं। अब हमको इनसे आगे चलना है और आपको ये भी बताया गया है कि रिले की डिजाइनिंग के लिए क्या फंडामेंटल रिक्वायरमेंट होती है, जिसके बारे में पिछले वाले लेक्चर में ये चीज़ जिक्र किया गया था। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और ये सीधा सीधा ये हम समझेंगे कि एक एक टाइप रिले अपना पकड़ेंगे और उसकी वर्किंग प्रिंसिपल को हम लोग समझेंगे। तो अब से जो क्लासेज रहेंगी उसमें एक एक रिले हम लोग लेंगे और उनकी वर्किंग प्रिंसिपल को समझेंगे, और जब सारे रिले को एक के बाद हम लोग पढ़ लेंगे तो फिर उसका हम यूज पढ़ेंगे कि हम मोटर में कौन कौन सा रिले लगाते हैं, या ट्रांसफार्मर में कौन कौन सा रिले लगाते हैं, जनरेटर में कौन कौन सा रिले लगाते हैं, ट्रांसमिशन लाइन में है इसमें कौन सा रिले लगाते हैं, कितनी रिले लगाते हैं, किस टाइप से प्रोटेक्शन प्राप्त करते हैं, इन सारी चीज़ों का आगे हम लोग समझते हुए चलेंगे। तो आज हम बेसिकली हमारा टॉपिक ये रहेगा कि हमारा रिले जो है, कुछ एकाध दो रिले आज हम डिस्कस कर पाएंगे। हमारे पास कई टाइप के रिले हैं, जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी वैसे वैसे हम सारी चीज़ों को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, एक आपका सिलेबस में आता है, ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले, या तो इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले, और या तो इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले है ना ये। और एक होता है स्टैटिक रिले। लेकिन जो आपके सिलेबस में है केवल इसको बताया जाता है, इसके बारे में पढ़ाया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले कहें या तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले कहें। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले में भी दो तीन टाइप्स होते हैं, तो उनको भी हम लोग समझेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम इस वाले टॉपिक को आज उठाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले, और हम लोग इसको पढ़ेंगे और समझेंगे कि कहाँ तक इसमें हम लोग आगे देखते हैं, कहाँ तक हम लोग बढ़ पाते हैं। तो हेडिंग डालिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले, जैसा कि हमने कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले में भी पार्ट हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले को भी हम डिवाइड किए हैं कई पार्ट में। तो आपको मैं बता दूं, इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट ये होता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन टाइप। और जो दूसरा मेरा होता है ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टाइप। ये पहला मेरा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन टाइप, दूसरा मेरा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टाइप। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन टाइप को भी कई पार्टों में डिवाइड किया गया है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को भी हम विभिन्न पार्टों में हम लोग डिवाइड किए हैं। तो हमारा फोकस आज का रहेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन टाइप में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले हमारा दो टाइप का होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन टाइप, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टाइप, या तो हम इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं अट्रैक्शन टाइप, और दूसरे को हम बोल सकते हैं
इंडक्शन टाइप। तो सबसे पहले हम आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन टाइप में, और ये समझते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन टाइप रिले कितने टाइप का होता है ना। तो इसको हटा दिया जाए, इसको आप लिख लिए होंगे, और हम ये हटा देते हैं। अभी मेरा मेन हेडिंग ये रहेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन टाइप, ये हमारी मेन हेडिंग है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन टाइप ये मेरी हेडिंग है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन टाइप तीन टाइप का बेसिकली रिले यूज होता है, और एक चार टाइप चौथा भी है, लेकिन बेसिकली तीन टाइप का ही हम लोग पढ़ेंगे। पहला है अट्रैक्टेड आर्मेचर टाइप, अट्रैक्टेड आर्मेचर टाइप। दूसरा हमारा है सोलेनॉइड टाइप, दूसरा मेरा है सोलेनॉइड टाइप। तीसरा हमारा है बैलेंस बीम टाइप। ये तीन तरीके का रिले मेरा यूज होता है, अट्रैक्टेड आर्मेचर टाइप, सोलेनॉइड टाइप, बैलेंस बीम टाइप। तीनों टाइप का रिले का वर्किंग प्रिंसिपल एक ही होता है, और सबसे खास बात ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन टाइप रिले एसी और डीसी दोनों में यूज होता है। अभी तक आप लोगों ने ये देखा होगा, इससे पिछली क्लासों में हम आपको बताए हैं रिले के बारे में, तो उसमें हमने ये दिखाया था कि रिले हमारा सीटी से कनेक्ट होता है, और आप जानते हो सीटी क्या है, करंट ट्रांसफार्मर है, और करंट ट्रांसफार्मर एसी पर ही काम करेगा, तो मीन्स रिले भी मेरा एसी पर ही काम करेगा। तो जो इससे पहले हमने आपको उदाहरण दिया था, जो पिछली क्लास में था, वो था बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टाइप का एग्जाम्पल था, और इसके बाद आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टाइप का क्लास आएगा, और इंडक्शन टाइप का जो रहता है प्रिंसिपल वो एसी के लिए ही लागू होता है, और ये अट्रैक्शन टाइप है ये डीसी के लिए भी लागू होगा। अभी हम आपको दिखाएंगे कि एसी और डीसी में ये दोनों में कैसे यूज होगा, और मज़े की बात ये है कि ये डीसी के लिए ज़्यादा सुटेबल होता है, अट्रैक्टेड आर्मेचर टाइप डीसी के लिए ज़्यादा सुटेबल होता है, एसी के लिए कम सुटेबल होता है। तो रिले हमको ऑपरेट कराना है, और एसी डीसी का बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रहता है, आप कोई भी एक्चुएटिंग क्वांटिटी हम लोग कर सकते हैं, एसी ले सकते हैं, डीसी ले सकते हैं, करंट ले सकते हैं, वोल्टेज ले सकते हैं, फ्रीक्वेंसी ले सकते हैं, पावर फैक्टर ले सकते हैं, कुछ भी हम एक्चुएटिंग क्वांटिटी लेके रिले को हम ट्रिप करा सकते हैं, है ना। तो हम चलते हैं अट्रैक्टेड आर्मेचर टाइप रिले के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं, और जैसा कि हमने आपको बताया ही कि ये एसी और डीसी दोनों में काम करता है, और ये जो रिले है ये बड़ा बढ़िया इन द सेंस, मतलब ये है कि इसका ऑपरेशन बहुत फास्ट है, इंस्टेंटेनियस रिले है, ये सारी इसकी क्वालिटीज़ हैं, इसलिए हम इसको कह सकते हैं बढ़िया। हालांकि बढ़िया शब्द कहना थोड़ा सा नॉन टेक्निकल वर्ड हो जाता है। चलिए हेडिंग हम डालते हैं, हमारा क्या है, अट्रैक्टेड आर्मेचर टाइप, अट्रैक्टेड आर्मेचर टाइप। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले हम लोग अट्रैक्टेड आर्मेचर टाइप रिले का हम लोग बना लेते हैं कैसा उसका कंस्ट्रक्शन होता है। तो अट्रैक्टेड आर्मेचर टाइप का जो कंस्ट्रक्शन होगा वो रिले कुछ इस टाइप की बनती है, आप ध्यान दीजिएगा, ये उसमें एक मैग्नेट रहेगा, ये कुछ ऐसा, आप लोग भी इसको साथ ही साथ बनाते चलेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा।
है ना। ये ये हमारा आर्मेचर है, ये हमारा कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन होता है और हम लोग करते क्या है, इसमें वाइंडिंग कर देते हैं, ये जो इसमें वाइंडिंग कर देते हैं। अब हमसे ये हमने वाइंडिंग कर दी है और इसमें या तो सीटी की सप्लाई दे देते हैं या तो पीटी की सप्लाई दे देते हैं। हाँ, यहाँ लिख भी देता हूँ, सप्लाई फ्रॉम PTRCT है ना, सप्लाई फ्रॉम PTRCT। अब इसमें देखो, मैं करंट का डायरेक्शन नहीं बना रहा हूँ, मैं ये मानता हूँ कि इसमें करंट जब फ्लो होती होगी तो ये इसका जो ये वाला सिरा इन पोल बनता होगा और ये वाला सिरा एस बनता होगा। जब इसमें करंट फ्लो होगी और ये जान लीजिए आयरन कोर है, तो जब इसमें हम आयरन कोर से लिपटी हुई कॉइल में अगर हम करंट फ्लो कराएंगे तो एज ए चुंबक वो बिहेव करेगा, ये आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। तो ये अगर N है और ये S पोल बना तो जो इसका मैग्नेटिक फील्ड है वो लगभग ऐसे बनेगा, ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ऐसा ये इसका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ये देखो ये ऐसा इसका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। और जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो लो रिलक्टेंस पाथ को, आप जानते हो कि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा लो रिलक्टेंस पाथ को फॉलो करना चाहता है। ये ऐसा, ये इसका मैग्नेटिक फील्ड ये ऐसा बना, ये ठीक है, ये इसका एक ये मैग्नेटिक फील्ड बना। हाँ, ये भी ध्यान दीजिएगा, साथ ही साथ इसमें हमारा ये रिले का कांटेक्ट कहलाता है, ये रिले का कांटेक्ट कहलाएगा और ये जो कांटेक्ट है, ये जो कांटेक्ट है ये हमारा ट्रिप कॉइल से जुड़ता है, ये हमारा किससे जुड़ता है, ट्रिप कॉइल से। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टू ट्रिप कॉइल, ट्रिप कॉइल ये वाला कांटेक्ट ट्रिप कॉइल से जुड़ता है, ऐसा कुछ होता है। देखो बड़ा सिंपल सा रिले है और इसको बड़ी आसानी से समझा जा सकता है, इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, होता कुछ नहीं है। हाँ, एक चीज़ और छूटा जा रहा है, और एक यहाँ पर स्प्रिंग कंट्रोल लगा होता है, ये स्प्रिंग कंट्रोल लगा होगा, ये ऐसे कनेक्ट है, मान लीजिए कहीं से ये कनेक्ट है, ये एक सिंपल सा अरेंजमेंट दिखाया गया है, स्प्रिंग कंट्रोल है। होता क्या है, इसमें सीटी या पीटी के थ्रू करंट फ्लो होगी, जब ये सीटी या पीटी के थ्रू करंट फ्लो होगा तो एज ये चुंबक बिहेव करेगा, एज ये जब चुंबक बिहेव करेगा, ये चीज़ चुंबक बन गया, ये आपका आयरन का पार्ट है, तो सीधे से बात है ये वाला इसको अट्रैक्ट करेगा। अब ये वाला अट्रैक्ट होगा, जैसे इससे कनेक्ट होगा, ये कनेक्शन किसका है, ट्रिप कॉइल का है, और ये ट्रिप कॉइल का है, ट्रिप कॉइल मतलब सर्किट ब्रेकर के ट्रिप कॉइल का है, सर्किट ब्रेकर के ट्रिप कॉइल से कनेक्ट होने का मतलब ये है कि सर्किट ब्रेकर मेरा ऑपरेट हो गया। एक तो आपको इसको ऐसे बताया जा सकता, एक हमने क्या बताया, जैसे इसमें हमने करंट फ्लो किया, करंट हम फ्लो करेंगे तो एज ए मैग्नेट बिहेव करेगा, इस मैग्नेट के कारण ये जो आर्मेचर है, आयरन का आर्मेचर, ये इससे अट्रैक्ट होगा तो ये इससे ट्रिप कॉइल से कनेक्ट हो जाएगा और रिले ऑपरेट करेगा। एक समझाने का तरीका ये है, दूसरा मैं ऐसे इसको समझा सकता हूँ, दूसरा ये कि जब इसमें हम ये जो कंडक्टर इसमें कॉइल है ये लपेटी गई है, जब इसमें हम करंट फ्लो करेंगे तो इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी, ये मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे होगी,
और आप जानते हो कि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या चाहती है, वो हमेशा चाहती है लो रिलक्टेंस पाथ को फॉलो करना, वो चाहती है लो रिलक्टेंस पाथ को हमेशा वो फॉलो करना चाहेगा। लो रिलक्टेंस पाथ को फॉलो करने का मतलब ये है, लो रिलक्टेंस पाथ को फॉलो करने का मतलब ये है कि ये देखो यहाँ तक, ये तो आयरन कोर है, ये आयरन का पीस है, यहाँ तक तो इसमें लो रिलक्टेंस होगा और यहाँ पर अगर एयर है तो यहाँ पर रिलक्टेंस बढ़ जाएगा। तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये इसको इधर खींचना चाहेगा, इसको अगर इधर खींच के इससे कनेक्ट कर देगा तो फिर क्या होगा, लो रिलक्टेंस पाथ इसको मिलने लगेगा। तो इस तरीके से ये रिले ऑपरेट करता है, ये चीज़ आपको समझ में कुछ आ रहा होगा। चलिए हम अब ये भी हम समझते हैं कि कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि जिसमें जो रिले ऑपरेट करता है तो रिले में कुछ ना कुछ तो ऑपरेटिंग फोर्स या ऑपरेटिंग टार्क डेवलप होता होगा, और जो ये ऑपरेटिंग फोर्स है ये ऑपरेटिंग फोर्स किसके बराबर होता है। कई बार ये पूछा जाता है कि किसके बराबर होता है, ये करंट के बराबर होता है, वोल्टेज के बराबर होता है, समानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये चीज़ भी हमको समझना है ना। तो मैं आपको ये बताऊं कि इसमें जो ऑपरेटिंग फोर्स डेवलप होता है वो करंट के वर्ग के समानुपाती होता है। जो मैं क्या कह रहा हूँ, ऑपरेटिंग फोर्स हमारा करंट के स्क्वायर के समानुपाती होता है। लेकिन ये कैसे हुआ, अगर ये भी तो पूछ सकते हो ना कि ये कैसे हुआ, तो इस चीज़ को अगर जानना है तो इस चीज़ के लिए भी आइए हम लोग समझते हैं। हम मान रहे हैं कि ये जो मेरा आर्मेचर है ये, इसको मूव करने में एक्स डिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है, यहाँ से यहाँ तक मेरा एक्स डिस्टेंस है, और ये जो स्प्रिंग लगा हुआ है ये रिस्ट्रेनिंग फोर्स है, ये स्ट्रिंग फोर्स ऊपर की ओर खींच रहा है, ये स्प्रिंग ऊपर की ओर खींच रहा है और ये वाला मैग्नेट है ये नीचे की ओर खींच रहा है। और आपको अगर याद है तो हमने कुछ बताया था ना, टी डिफ्लेक्टिंग इज ग्रेटर देन टी रिस्ट्रेनिंग, अगर टी डिफ्लेक्टिंग बड़ा होगा रिस्ट्रेनिंग से तभी रिले आपका ऑपरेट करेगा। अब ये टी डिफ्लेक्टिंग को जो हम लिख रहे थे, अब इसको हम लिखेंगे एफ ओ, एफ मतलब ऑपरेटिंग फोर्स और टी एफ आर मतलब रिस्ट्रेनिंग फोर्स, एफ ओ और एफ आर हम यहाँ पर लिख के समझेंगे। चीज़ें वही हैं, कॉन्सेप्ट हमारा वही है, कॉन्सेप्ट में कोई बदलाव नहीं आया है। अब हमको ये चीज़ ज्ञात करना है कि हमारा जो ऑपरेटिंग फोर्स है वो ऑपरेटिंग फोर्स आई स्क्वायर के समानुपाती कैसे आया, इस चीज़ को भी तो हमको समझना चाहिए। किसी ने बताया और हम उसको ऐसे ही मान लें, ये हमारा धर्म नहीं है कि हम किसी ने बताया और उसको हम मान लें। देखो अगर ये आपका मैग्नेट बन रहा है तो इस, ये जो मैग्नेट बना और टोटल कहानी कहाँ है, इस कहानी को है, इसको यहाँ से यहाँ तक ऑपरेट कराना है। इस मैग्नेट का काम या इसमें जो हमने सीटी पीटी से सप्लाई दिया है इसका काम क्या है, इसको यहाँ से यहाँ तक लेके आना, इस आर्मेचर को नीचे की ओर लेके आना, नीचे की ओर लेके आएगा तो ये ट्रिप कॉइल से कनेक्ट हो जाएगा और रिले में मानूंगा कि रिले मेरी ऑपरेट हो गई। तो ये जो मेरा फील्ड है, ये मेरा जो फील्ड है इसमें कुछ मैग्नेटिक एनर्जी भी तो स्टोर होगी। जब इसमें हम करंट फ्लो करेंगे, इसमें फ्लक्स बनेगा, तो इसमें एक हमारी मैग्नेटिक एनर्जी भी तो स्टोर होगी, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होगी कि नहीं होगी। तो इसी चीज़ को हम लिखते हैं मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंतर्गत जो हमारी मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड होती है उसको हम WFLD से प्रेजेंट करेंगे, और वो होता है 1/2 LI² होता है, L को हम बोल दिए LX।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात है नहीं। मैग्नेटिक एनर्जी जो होती है वो 1/2 LI² होता है, तो हमने वही चीज़ तो लिखा हुआ है। और आप जानते हो कि फोर्स बराबर होता है एनर्जी अपॉन डिस्प्लेसमेंट, होता है फोर्स इक्वल टू एनर्जी अपॉन डिस्प्लेसमेंट, एक होता है नहीं। जैसे कहा जाए कार्य बराबर होता है ना, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। तो अगर यहाँ से बल निकालोगे तो क्या कहोगे, बल बराबर हो जाएगा कार्य बटे विस्थापन, यही तो होगा ना, कार्य बटे विस्थापन। कार्य मतलब एनर्जी, एनर्जी ये है, विस्थापन कितना है, ये एक्स है, विस्थापन एक्स है। इसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं। और ये जो बल कौन सा है, ऑपरेटिंग फोर्स वाला बल है, ऑपरेटिंग फोर्स हम यहाँ पर लिखेंगे, ऑपरेटिंग फोर्स बराबर हो जाएगा हमारा dWFLD/dx हो जाएगा, dWFLD/dx। और इसकी वैल्यू रखेंगे तो देखिए, इसकी वैल्यू अगर मैं रखूँगा तो मेरा आएगा 1/2 LXI² / dx। या तो आप चाहो तो x इसको अंदर ही रहने दो और आप यहाँ पर आई स्क्वायर बाहर कर लो, और अंदर क्या बचा, d 1/2 LX/dx। ये क्या है, F ऑपरेटिंग फोर्स है। तो यहाँ से आपको ये मिल रहा है, जो आपका ऑपरेटिंग फोर्स है वो करंट के समानुपाती है, करंट के समानुपाती है ना। तो इसको मैं हटाता हूँ। तो यहाँ एक चीज़ चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये चीज़ आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ऑपरेटिंग फोर्स करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है, ये चीज़ पूछा जाता है। तो ऑपरेटिंग फोर्स में यहाँ पर आई की जगह हम लिख सकते हैं ऑपरेटिंग क्वांटिटी। यहाँ ऑपरेटिंग क्वांटिटी के रूप में करंट यूज हो रही है तो हमने ऑपरेटिंग क्वांटिटी लिख दिया है। तो यहाँ पर हमको ये चीज़ समझ में आई कि जो फोर्स डेवलप हो रहा है, जो मेरा ऑपरेटिंग फोर्स डेवलप हो रहा है वो करंट के स्क्वायर के समानुपाती होता है, वो करंट के स्क्वायर के समानुपाती होता है। और यही चीज़ हम आपको अभी जब शुरुआत में कह रहे थे कि जो ऑपरेटिंग फोर्स डेवलप होता है, ऑपरेटिंग फोर्स करंट के स्क्वायर के समानुपाती होता है। अगर ये करंट के स्क्वायर के समानुपाती होगा तो इसी को हम बोल सकते हैं फ्लक्स के स्क्वायर के समानुपाती होगा, क्योंकि जो फ्लक्स होता है करंट के वो समानुपाती होता है। तो फ्लक्स के स्क्वायर के भी समानुपाती हम कह सकते हैं, कौन सा फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। लेकिन फ्लक्स के बारे में जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा फ्लक्स के बारे में नहीं पूछेगा, वो करंट का वाला पूछेगा, करंट वाला ऑप्शन लेगा कि करंट के स्क्वायर के समानुपाती होता है, व्युत क्रमानुपाती होता है। तो ऐसे ही कुछ आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो इस तरीके से तो आपका ऑपरेटिंग फोर्स डेवलप हुआ। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग ये लेते हैं कि हम ये मान के चलते हैं कि ये रिले हम डीसी में यूज कर रहे हैं। तो जब हम डीसी में यूज करेंगे तो क्या क्या चीज़ें होंगी, इस चीज़ को हम समझेंगे। तो इसको क्या करता हूँ, मैं इसको हटा देते हैं। ये चीज़ तो हम समझ ही गए हैं कि ऑपरेटिंग फोर्स हमारा करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ, और रिपीट करने का महज सिर्फ इतना है कि ये चीज़ आपको याद हो जाए, समझ जाए, जिससे कि दोबारा आपको भूले नहीं। चलो अब हम लोग देखते हैं डीसी के लिए हम लोग इसको कैसे ऑपरेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग फॉर डीसी ऑपरेशन। डीसी ऑपरेशन का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो हम करंट या वोल्टेज या कुछ भी मैं ले रहा हूँ, मैं वो डीसी ले रहा हूँ, ठीक है। और जब डीसी लूँगा तब क्या स्थितियाँ डेवलप होंगी, ये चीज़ समझते हैं।
तो ऑपरेटिंग फोर्स हमारा हो जाएगा यहाँ से, ऑपरेटिंग फोर्स हम लोग क्या मानते थे, एफ ओ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी सी का स्क्वायर, ठीक है, आई डी सी का स्क्वायर होगा। और अगर इस प्रोपोर्शनल को आप हटा दो तो यहाँ पर एक कांस्टेंट मानना पड़ेगा के वन आई डी सी, यही ना होगा, इसको चाहो तो इक्वेशन नंबर वन मान लो, ये ऑपरेटिंग फोर्स है। अब रिस्ट्रेनिंग फोर्स भी देख लिया जाए। रिस्ट्रेनिंग फोर्स जो होता है उसको एफ आर से प्रेजेंट करते हैं। और आपको बता दें, जब भी आपको अभी समझाया गया था या बताया गया था पिछले लेक्चर में कि रिस्ट्रेनिंग फोर्स के लिए हम बेसिकली स्प्रिंग का यूज करते हैं, ये स्प्रिंग का हम यूज करते हैं रिस्ट्रेनिंग फोर्स के लिए, क्यों यूज करते हैं ये भी चीज़ आपको बताया ही गया है। तो रिस्ट्रेनिंग फोर्स के लिए हम स्प्रिंग का यूज करते हैं और वो कांस्टेंट फोर्स देता है, उसमें करंट वोल्टेज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। स्प्रिंग से हम ये मान के चलते हैं कि लगभग कांस्टेंट फोर्स मिलता है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा रिस्ट्रेनिंग फोर्स बराबर K2 क्या है, कांस्टेंट है। और रिले कब ऑपरेट करेगा आप बताओ, रिले ऑपरेट कब करेगा, फॉर रिले ऑपरेशन में आपका हो जाएगा इफ ऑपरेटिंग फोर्स इज ग्रेटर देन रिस्ट्रेनिंग फोर्स। जब आप इतनी बात तो समझ रहे हो ना, फॉर रिले ऑपरेशन जब आपका ऑपरेटिंग फोर्स रिस्ट्रेनिंग फोर्स से अधिक हो जाएगा, वही चीज हम बता रहे हैं आपको जो पिछले क्लास में बताया गया था TD इज ग्रेटर देन TR, वही चीज है। अगर जब आपका ऑपरेटिंग फोर्स रिस्ट्रेनिंग फोर्स से अधिक हो गया तो रिले ऑपरेट हो जाएगा, मतलब कि जो इधर एक फोर्स लग रहा है और एक ये स्प्रिंग इधर फोर्स लगा रहा है, तो जब ये वाला फोर्स इससे अधिक हो जाएगा तो रिले मेरा ऑपरेट कर जाएगा। तो ऑपरेटिंग फोर्स हमारा क्या दिया गया है, ऑपरेटिंग फोर्स दिया गया है K1 IDC का स्क्वायर, ये दिया है ना ऑपरेटिंग फोर्स, यही दिया है। और रिस्ट्रेनिंग फोर्स क्या है, K2। तो IDC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा IDC स्क्वायर इज ग्रेटर देन K2 upon K1, K1 इसके नीचे आ गया, तो यहाँ से IDC बराबर आ जाएगा, IDC ग्रेटर देन अंडरवुड K2 upon K1। ये K2 upon K1 है क्या, ये K2 upon K1 ये बता रहा है कि अगर कोई ये रिले की सेट वैल्यू है, अगर रिले की सेट वैल्यू, ये क्या है सेट वैल्यू ऑफ रिले, ये क्या है सेट वैल्यू ऑफ रिले, सेट वैल्यू ऑफ रिले, ये रिले के लिए सेट वैल्यू है। अगर डीसी करंट का मान, IDC का मान √K2 upon K1 से बड़ा होगा तो रिले ऑपरेट कर जाएगी। ये कोई क्वांटिटी है। अब ये मुझे नहीं पता है कि 400 एम्पियर है कि 1 एम्पियर है कि 10 एम्पियर है कि 100 एम्पियर है कि 1000 एम्पियर है, ये हमको नहीं पता है। लेकिन ये हम तब पता करेंगे जब कोई हम एक सिस्टम ब्रीफली हमारा डिस्क्राइब हो कि इतने एम्पियर लोड चल रहा है, ये रिले चल रही है, इतना रेशियो है इसका, तब आप बता सकते हो। अभी के लिए इसको समझो, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। ये √K2 upon K1 क्या है, √K2 upon K1 से पहले समझो K2 क्या है, स्प्रिंग के कारण रिस्ट्रेनिंग फोर्स है। K1 क्या है, ऑपरेटिंग फोर्स के लिए जो हम कांस्टेंट माने हैं वो है। अब जब √K2 upon K1 से IDC का मान अधिक होगा तो रिले ऑपरेट करेगी। कहने का मतलब ये हुआ, अगर इसको और समझाना चाहो, ये वहाँ तक हो गया, अब उसके आगे हमको नहीं बढ़ना है। कहने का मतलब ये हुआ, अगर इसको हम समझाना चाहें कि अगर IDC बराबर √K2 upon K1 हो या IDC इज लेस देन
IDC लेस देन K2 अपान K1 हो, मतलब कि IDC का मान K2 अपान K1 हो या IDC का मान अंडर रूट K2 अपान K1 से कम हो, तो रिले मेरा ऑपरेट नहीं करेगा, रिले मेरा ऑपरेट नहीं करेगा। लेकिन अगर IDC मतलब जो DC वाली करंट है रिले के कॉइल में फ्लो हो रही है, अगर इसका मान रूट K2 अपान K1 से अधिक होगा, रूट K2 अपान K1 से अधिक होगा IDC यहाँ पर पहने वाली करंट, अगर इसका मान रूट K2 अपान K1 से अधिक होगा तो रिले मेरी ऑपरेट कर जाएगी। इतना आपको समझ में आया होगा। एक चीज़ और आप जान लीजिए, जो मेरा ऑपरेटिंग फोर्स है आप जानते हो ऑपरेटिंग फोर्स करंट के स्क्वायर का समानुपाती होता है। और यहाँ पर जो आई का मान है वो कांस्टेंट है, रूट K2 अपान K1 ये पूरा कांस्टेंट ही तो हुआ, तो यहाँ पर जो मेरा फोर्स डेवलप हुआ वो भी कांस्टेंट फोर्स डेवलप होगा, स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स डेवलप होगा इस रिले में। अगर मैं DC का यूज करूँगा तो स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स डेवलप होगा, ठीक है। इस बात का आप मतलब याद रखिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये बेसिक चीज़ें हैं, इसको जानना ज़रूरी है। तो ये अट्रैक्टेड आर्मेचर टाइप या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या तो अट्रैक्शन टाइप रिले में जब मैं DC का यूज करता हूँ तब मेरा स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स डेवलप होता है, ये आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब हम लोग चलते हैं फॉर AC ऑपरेशन। अगर हम लोग AC यूज किए होते तो कैसा ऑपरेशन होता, तब उसमें क्या आता, कैसा ऑपरेटिंग फोर्स डेवलप होता, इस चीज को समझो। चलिए, फॉर AC ऑपरेशन AC के लिए क्या करेंगे आप, कुछ नहीं, जैसे यहाँ पर DC हम लोग सोर्स लगाए थे, अब यहाँ पर DC की जगह हम AC कनेक्ट कर देंगे, AC सोर्स कनेक्ट कर देंगे। तो AC के लिए ऑपरेशन सबसे पहले हमने निकालते हैं ऑपरेटिंग फोर्स क्या होगा। AC के लिए हमारा ऑपरेटिंग फोर्स देखो ऐसे ही होगा जैसे हम उसमें निकालते थे, ऑपरेटिंग फोर्स हमारा होता है, ऑपरेटिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I2। यहाँ पर I क्या है, AC है, AC करंट है, ठीक है। तो आप AC की बात हो रही है, AC हर क्षण बदलती रहती है। मान लीजिए कोई I इंस्टेंटेनियस वैल्यू इसकी इस I है, तो इसका हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू लिख सकते हैं I = Im sin ωt, ये हम लिख सकते हैं। तो हम ऑपरेटिंग फोर्स बराबर हम लिख दें Im sin ωt² हो जाएगा। अब इसको और आगे सॉल्व किया जाए, ये हो जाएगा आपका, आप ऐसे लिख सकते हो Im² sin² ωt। अब इस sin² ωt को थोड़ा सा और इजी बना लीजिए, आप जानते हो cos 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 sin² थीटा, यही ना होता है cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 sin² थीटा। अगर आप यहां से ये करो, पक्षांतर कर लो, 2 sin² थीटा बराबर ये इसको इधर उठा के ले आए हो और 1 अपनी जगह पर है, इसको जब इधर लेके आए हो तो ये माइनस वाला प्लस में हो गया, ये देखो cos 2 थीटा प्लस में, इधर ले आओगे ये माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा cos 2 थीटा, यही होगा ना cos 2 थीटा। अब sin² थीटा बराबर हो जाएगा 1 cos 2 थीटा / 2। अब ये जो थीटा है इसकी जगह अगर हम ओमेगा टी रख दें, थीटा की जगह ओमेगा टी रख दें, ये ओमेगा टी हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ वहाँ हमको क्या रखना पड़ेगा, ओमेगा टी, यहाँ 2 की जगह 2, थीटा की जगह ωt / 2, है ना। अब देखो
ये यही चीज तो है साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो हम क्या करेंगे, वो वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। तो अब हो जाएगा ऑपरेटिंग फोर्स बराबर आई एम का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा की जगह हमारा हो जाएगा, इसको क्या करते हैं बड़ा ब्रैकेट बना लेते हैं, है ना, साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग लिख पाएंगे यहाँ पर वन माइनस कास टू ओमेगा टी पूरे के बट्टे में दो। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें आई एम का गुणा कर देंगे, आई एम स्क्वायर का गुणा कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा वन बाई टू, हम क्या कर रहे हैं बाहर कामन कर लिए, और अंदर हमारा बचा आई एम का स्क्वायर माइनस माइनस आई एम का स्क्वायर कास टू ओमेगा टी, यही तो होगा कास टू ओमेगा टी। चलो, और ये क्या है ऑपरेटिंग फोर्स है। अब इसमें देखिए, इस जो ऑपरेटिंग फोर्स, इसमें हम क्या करते हैं वन बाई टू का भी गुणा कर देते हैं, ये ऑपरेटिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वन बाई टू आई एम का स्क्वायर माइनस वन बाई टू आई एम का स्क्वायर कास टू ओमेगा टी, कास टू ओमेगा टी। अब इसमें आप देखो दो टर्म इसमें आपको दिख रहे होंगे, एक टर्म आपको ये दिख रहा है और एक टर्म आपको ये दिख रहा है, दो टर्म है ना इसमें। इन दोनों टर्म में खासियत ये है कि एक स्टैटिक है और एक वेरिएबल है। कैसे वेरिएबल है, ये देखो कास की वैल्यू यहाँ पर लगातार चेंज होगी ना, कास की वैल्यू जैसे जैसे एंगल चेंज होगा वैसे वैसे चेंज होगा। तो इस तरीके से अगर इधर वाला पार्ट वेरिएबल है और ये वाला पार्ट स्टैटिक है, ये स्टैटिक है ये वेरिएबल है, ध्यान से देखो ये वाला पार्ट आपका स्टैटिक है ये वाला पार्ट आपका वेरिएबल है। अगर इस स्टैटिक से वेरिएबल को बार बार घटाओगे तो जो आपका जो रिजल्टेंट आएगा, जो आपका रिजल्टेंट आएगा वो भी तो वेरिएबल होगा। अगर कोई स्थिर चीज़ है, मान लो स्थिर चीज़ आपका 10 है, अब इस 10 से आपको वेरिएबल चीज़ घटाना है, मान लो जो वेरिएबल चीज़ है पहले एक आ रही फिर दो आ रही फिर तीन आ रही है फिर मान लो फिर एक आ रही है, तो अगर इस वेरिएबल चीज़ को इस स्थिर वाले से हम घटाएंगे, इस स्टैटिक वाले से घटाएंगे तो आपका क्या आएगा, पहले आया 10 माइनस 1 बराबर 9, फिर बाद में आया 10 माइनस 2 बराबर 8 आया, फिर 10 माइनस 3 बराबर 7 आया। तो जो आपका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो भी वेरिएबल आएगा, यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। यही अंतर है डीसी और एसी में, यही अंतर है डीसी और एसी में। डीसी वाले के केस में क्या था ना, डीसी में स्थिर हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स डेवलप होता था, लेकिन इसमें वेरिएबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स डेवलप होगा, वेरिएबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स डेवलप होगा, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। और इस वेरिएबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स डेवलप होने को, इस वेरिएबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स डेवलप होने से जो इसका ऑपरेटिंग फोर्स होगा, जो इधर ला रहा है, जो ऑपरेटिंग फोर्स होगा वो भी वेरिएबल होगा, या तो हम कहें या वो भी वेरिएबल होगा या पल्सेटिंग होगा, जिसके कारण ये ऑपरेटिंग जो ये वाला जो है ये वाइब्रेट करने लगता है। ये बार बार ऑपरेटिंग फोर्स बदलता है, मतलब कभी कम ज़्यादा, तो बार बार ये क्या करने लगता है, वाइब्रेट होने लगता है। वाइब्रेट होने के कारण होता है क्या, इसमें स्पार्किंग डेवलप होने लगती है, वाइब्रेट होने के कारण इसमें स्पार्किंग डेवलप होने लगती है। और जो इसका वेरिएशन होता है वो 2 ओमेगा टी है, मतलब फ्रीक्वेंसी के दुगने से इसका वेरिएशन होता है। ये देखो 2 ओमेगा टी का मतलब हो गया फ्रीक्वेंसी दो गुना, ठीक है, 2 इंटू ओमेगा है, ओमेगा बराबर 2 पाई एफ होता है, 2 पाई एफ, इसमें 2 से गुणा है तो इसका मतलब है इसका मतलब ये होगा कि ये फ्रीक्वेंसी के दो गुना से इसमें वेरिएशन होगा,
ये दो गुना से इसमें वेरिएशन होगा। ये तो आप, या तो आप सीधे लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि जो इसमें ऑपरेटिंग फोर्स डेवलप होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे सिस्टम के फ्रीक्वेंसी का 2 times होगा। जो ऑपरेटिंग फोर्स होगा वो सिस्टम की फ्रीक्वेंसी का 2 times होगा, वो 2 times से वेरिएबल होगा या 2 times से पल्सेट करेगा। इतना आपको समझ में आया होगा। तो अभी तक आप लोगों ने कहानी कुछ इस प्रकार समझा। कहानी में आपने ये समझा कि डीसी के केस में आपका स्थिर बल उत्पन्न होता है, और एसी के केस में आपका वेरिएबल ऑपरेटिंग फोर्स डेवलप होता है। तो ये तो रहा, हाँ, यूज हम दोनों से कर सकते हैं। हम डीसी में भी यूज कर सकते हैं और एसी में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन डीसी के कारण अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताओगे कि डीसी के कारण हमारा जो फोर्स डेवलप होता है वो स्थिर बल उत्पन्न होता है या स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स डेवलप होता है, और एसी के केस में वेरिएबल या पल्सेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स डेवलप होता है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब हम क्या करते हैं, कुछ बेसिक चीज़ें, यही बेसिक चीज़ें हम लोग नोट भी कर लेते हैं। चलिए, तो पहला आप लिखेंगे इसका प्रयोग एसी तथा डीसी, एसी तथा डीसी दोनों में किया जा सकता है। इसका प्रयोग एसी तथा डीसी दोनों में किया जा सकता है, है ना? लेकिन डीसी के केस में क्या होता है, लेकिन अब यहाँ पर ये लिख सकते हो, डीसी के केस में स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑपरेटिंग फोर्स डेवलप होता है डीसी के केस में। स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑपरेटिंग फोर्स डेवलप होता है। एसी के केस में वेरिएबल फोर्स लिखें, या तो हम लिख सकते हैं पल्सेटिंग फोर्स एसी के केस में वेरिएबल फोर्स उत्पन्न होता है, जिसके कारण रिले में वाइब्रेशन होता है, स्पार्किंग भी होगी। ठीक है। अच्छा, ये जो वाइब्रेशन, इसको भी ख़त्म किया जा सकता है। इसको ख़त्म कैसे करते होंगे, इसको ख़त्म करने के लिए यहाँ पर देखो एक फ्लक्स डेवलप हो रहा है ना, इसको ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें दो फ्लक्स डेवलप करते हैं। दो फ्लक्स कैसे डेवलप करेंगे, एक तो फ्लक्स इस मैग्नेटिक कॉइल के कारण होगा, दूसरा यहाँ पर एक हम साइडेड रिंग लगाने से होगा क्या, इसमें दो फ्लक्स डेवलप होगा। और जब दो फ्लक्स डेवलप होता है तो दो फ्लक्स की खासियत ये होती है कि वो उसका एक ही डायरेक्शन होता है, वो एक ही डायरेक्शन में डेवलप होगा। वाइब्रेशन तभी होता है जब उसका, देखो
वाइब्रेशन तभी हुआ का मतलब एक बार फोर्स इधर लगा तो ऐसे आया, एक बार फोर्स जब ऊपर लगा तो ऐसे आया, ऐसे 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 ये ऐसे ऐसे हुआ तो ये वाइब्रेशन हुआ। अब कोई चीज़ ज़्यादा होती है तो हमको दिखने लगती है, अगर बहुत कम होता है तो हमको दिखता नहीं है। तो बहुत कम होता तो झंझनाहट की आवाज़ आती है, तो वही होता है वाइब्रेशन। अगर ये ज़्यादा ऊपर नीचे होगा तो ये दिखेगा, और अगर कम होगा तो ये झंझनाहट की आवाज़ आएगी, उसी को हम कहते हैं वाइब्रेशन। तो इस वाइब्रेशन को हम ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर एक साइडेड रिंग लगा देते हैं। तो उसके कारण होगा क्या, एक तो ये वाला फ्लक्स है, एक साइडेड रिंग के कारण एक और फ्लक्स डेवलप होगा। अब ये जब दोनों फ्लक्स हो जाएंगे, जब आप दो फ्लक्स जानते हो कि जब फ्लक्स को स्प्लिट कर देते हो तो उसमें एक रोटेटिंग फ्लक्स डेवलप होता है जो एक ही डायरेक्शन में वो काम करता है, और प्रत्येक क्षण होगा क्या, उसका जो वैल्यू है, परिमाण है, वो भी स्थिर रहती है। तो खैर उसकी बात हम लोग नहीं करेंगे, इसी यहीं तक कंसंट्रेट होते हैं। तो एसी के केस में वेरिएबल या पल्सेटिंग फोर्स उत्पन्न होगा जिसके कारण रिले में वाइब्रेशन होता है। अब कुछ एक चीज़ एक आध दो पॉइंट और हम लिख लेते हैं। इसका जो VA वर्डन होता है, इस रिले का VA वर्डन होता है, बर्डन आपको बताया गया था ना, VA बर्डन मतलब सेंसिटिविटी। इसका VA बर्डन, इसका VA बर्डन, इसका VA बर्डन लो होता है, इसका VA बर्डन लो होता है, इसका VA बर्डन लो होता है। लो होने का देखो हमारा फ़ायदा ही है, जितना कम VA बर्डन होगा उतना ही ज़्यादा हमारी रिले सेंसिटिव मानी जाएगी। अगर VA बर्डन कम होगा तो रिले उतना अधिक सेंसिटिव मानी जाएगी, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब चलिए, ये एक इंस्टेंटेनियस रिले है, इससे पहले हम लिखते हैं इसकी ऑपरेटिंग स्पीड बहुत हाई होता है, इसका ऑपरेशन, इसका ऑपरेशन, इसका ऑपरेशन वेरी फास्ट होता है, इसका ऑपरेशन वेरी फास्ट होता है, इसका ऑपरेशन वेरी फास्ट होता है। फास्ट होने से हमारा क्या होगा कि जल्दी ऑपरेट हो जाएगा, और ये जो ऑपरेशन है इसकी फास्ट तो होगा, और ये थोड़ा सा डिपेंड करता है मूविंग कांटेक्ट और फिक्स कांटेक्ट के बीच भी डिपेंड करता है, मतलब कि ये इस डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है। ये डिस्टेंस जितना कम होगा उतना जल्दी रिले ट्रिप करा देगा, उतना कम इसको मूव करना होगा, तो ये डिस्टेंस जितना कम होगा उतना बेहतर होगा। और इस रिले में कम होता है डिस्टेंस, इसलिए इसका ऑपरेशन फास्ट होता है। लिख लो इसको, यह, अच्छा एक चीज, इसका ऑपरेशन अभी आप आगे पढ़ोगे, इंडक्शन कप रिले आगे अभी आप पढ़ोगे, इसका इंडक्शन कप रिले से फास्ट होता है। ठीक है, एक पॉइंट और लिख लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसका ऑपरेशन इंस्टेंटेनियस होता है। इंस्टेंटेनियस होने का मतलब ये तुरंत ऑपरेट होता है, इंस्टेंटेनियस का मतलब ये तुरंत ऑपरेट करता है। अच्छा, रिले हमारा देखो कई टाइप का होता है, इंस्टेंटेनियस टाइप का होता है, टाइम डिले भी होता है, टाइम लैग होता है, इन्वर्स करेक्टरिस्टिक का होता है। तो ये वाला जो हमारा है अट्रैक्टेड आर्मेचर टाइप, या तो हम ये कहें जितना भी अट्रैक्शन टाइप है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन टाइप रिले है, सभी रिले का ऑपरेशन हमारा इंस्टेंटेनियस होता है। हम चाहें तो इसको टाइम लैग बना सकते हैं, बट आप ये जान लीजिए, लेकिन जो इसकी इनहेरेंट क्वालिटी है कि इसका ऑपरेशन इंस्टेंटेनियस होता है। तो देखो पिछली क्लासों में तो आपको बेसिक आपको मतलब बता ही दिया गया था कि रिले हमारा क्या होता है,
वो कैसे सेंस करता, कैसे सेंस करके ऑपरेट होता, कैसे सर्किट ब्रेकर को वो ऑपरेट कराता है सेंस करके, ये चीज़ें कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें बता दी गई हैं। अब जो हमारी जितनी भी क्लासेस रहेंगी उसमें हमारा ये फोकस रहेगा कि रिले मेरा कैसे ऑपरेट किया, रिले जहाँ तक ऑपरेट करके बस बात ख़त्म, उससे उसके आगे हमको नहीं बढ़ना। उसके आगे आपको पता है कि सर्किट ब्रेकर को सिग्नल देगा, सर्किट ब्रेकर ट्रिप करेगा, उसके आगे हमको नहीं बढ़ना है। तो अभी इसमें तो आप लोगों ने समझ पाया कि यहाँ पर हम कनेक्ट करते हैं सप्लाई से एसी या डीसी, सीटी या पीटी से, जब इसमें मैग्नेट बनता है तो ये इसको अट्रैक्ट करता है और यहाँ पर ये ट्रिप करा देता है। ये कब अट्रैक्ट होगा, जब इसका ऑपरेटिंग फोर्स रिस्ट्रेनिंग फोर्स से ग्रेटर होगा तब ये अट्रैक्ट हो जाएगा और रिले ऑपरेट हो जाएगी। तो ये एक बेसिक सा सिंपल सा फंडा है ये ऑपरेशन का, चाहे अट्रैक्टेड आर्मेचर टाइप हो, चाहे सालिनाइड टाइप हो, चाहे बैलेंस बीम टाइप हो, सबका कॉन्सेप्ट लगभग सेम ही है, कोई चेंजेस नहीं है। और तीनों में जितना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन टाइप रिले है, हमने तीन रिले का जिक्र किया, तीनों में एसी और डीसी का हम यूज कर सकते हैं और जो ऑपरेटिंग फोर्स है वो करंट के स्क्वायर के समानुपाती होगा। डीसी यूज होगा तो स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स डेवलप होगा, एसी यूज होगा तो वेरिएशन आएगा, वेरिएबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स डेवलप होगा। इतनी बात आप लोग याद रखेंगे और यह इसका ऑपरेशन इंस्टेंटेनियस होता है, इस चीज़ को भी आप लोग याद रखेंगे। अब चल दिए, ये तो आपका कंप्लीट हो गया। जैसा कि अभी हमने ये बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन रिले तीन टाइप का होता है, उसमें पहला आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन होता है, दूसरा आपका सालिनाइड टाइप होता है, तीसरा आपका बैलेंस बीम टाइप होता है। तो हम क्या करते हैं, जब हम ये भी आपको बोल रहे हैं कि सबका वर्किंग प्रिंसिपल सेम होता है, सबका वर्किंग प्रिंसिपल सेम होगा, तो इसका मतलब ये है कि सब के बारे में वही चीज़ लिखाने कोई मतलब नहीं। मैं क्या करता हूँ, फिगर आपको बना के समझा देता हूँ। थोड़ा सा बारिश भी स्टार्ट हो गई है तो जल्दी से मैं क्लास को कंप्लीट करूँगा। अब आ जाते हैं दूसरा, बैलेंस बीम टाइप, सॉलेनाइड टाइप में कुछ इस तरीके का होता है। देखो ये सालिनाइड टाइप होगा, ये ऐसा, ये कुछ इस तरीके का होगा और ये ऐसा कनेक्ट होगा, सालिनाइड टाइप, ये यहां पर हम सीटी या पीटी से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, सालिनाइड टाइप है और ये इधर इसका रहता है कांटेक्ट, ये इधर इसका रहता है कांटेक्ट और ये जुड़ा रहेगा ट्रिप सर्किट से, ट्रिप सर्किट। इसमें देखो रिस्ट्रेनिंग जो फोर्स होता है, ये रिस्ट्रेनिंग फोर्स हमारा ग्रेविटी के कारण नीचे लगा रहता है, ये ग्रेविटी के कारण नीचे रिस्ट्रेनिंग फोर्स रहता है। इसमें जब करंट फ्लो होती है, इसमें करंट फ्लो होगी और जब ये रिस्ट्रेनिंग फोर्स से अधिक इसमें फोर्स डेवलप हुआ, मतलब एफ ओ इज ग्रेटर देन एफ आर, तो ये रिले ऑपरेट होके, ये ऊपर की ओर अट्रैक्ट होगी, ये ट्रिप कॉइल से कनेक्ट होगा और रिले ऑपरेट हो जाएगा। सेम वर्किंग प्रिंसिपल उस अट्रैक्टेड आर्मेचर टाइप की तरीके से, अब इसमें मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा। एक आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन टाइप में एक और होता है, इसको हम बोलते हैं बैलेंस बीम टाइप रिले, ठीक है, ये उसको बनाइए फटाफट, जल्दी से बनाइए। बैलेंस बीम टाइप में देखो सबसे पहले बीम होगी, ठीक है, ये आपका सबसे पहले बीम होगा और इसमें इधर ये रिस्ट्रेनिंग फोर्स डेवलप करने के लिए स्प्रिंग के थ्रू ये कनेक्ट होगा और इसमें भी देखो ये यहाँ पर
रिले की ऑपरेटिंग कॉइल लगी होती है, ये वाला रिले की ऑपरेटिंग कॉइल है, इसमें रिले की ऑपरेटिंग कॉइल लगती रहेगी। और यहाँ पर देखो ये वाला रिस्ट्रेनिंग फोर्स डेवलप करेगा, ये ऑपरेटिंग फोर्स डेवलप करेगा, सॉरी इसको थोड़ा सा और आगे बनाना होगा, ये कुछ ऐसा। अब यहाँ पर ऑपरेटिंग फोर्स डेवलप करेंगे, ये ट्रिप सर्किट से कनेक्ट होता है, ये वाला ट्रिप सर्किट से कनेक्ट होगा, ये ट्रिप सर्किट से। अब इस कॉइल में जैसे हमारा करंट तो फ्लो करेगी ही नॉर्मल कंडीशन में, अब नॉर्मल कंडीशन में भी जब इस रिस्ट्रेनिंग फोर्स से यहाँ वाला ये वाला रिस्ट्रेनिंग फोर्स डेवलप करता है, ये वाला ऑपरेटिंग फोर्स डेवलप करता है, जब आपका ऑपरेटिंग फोर्स रिस्ट्रेनिंग फोर्स से अधिक हो जाएगा, जब आपका ऑपरेटिंग फोर्स इस रिस्ट्रेनिंग फोर्स से अधिक हो जाएगा तो ये रिले नीचे ऐसे आके ट्रिप सर्किट से कनेक्ट हो जाएगा। ये तीनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन टाइप रिले हैं, तीनों का वर्किंग रिस्पॉन्स सेम है। अट्रैक्टेड आर्मेचर टाइप का कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा होता है, सालेनाइड टाइप का कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन होगा और बैलेंस बीम टाइप का कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन होगा। इसको थोड़ा सा जल्दी बता दिया गया है, बारिश होने लगी है, तो अब मैं क्लास आज की यहीं पर क्लोज करूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।